तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सुंदर सी कांवड़ आपको नजर आ रही होगी। तो अभी हम दर्शन कराएंगे और जानेंगे ये लोग कहाँ से आए हुए हैं। तो हर हर महादेव भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? पंजाब से, बरनाला जिला से। पंजाब से? बरनाला जिला। कौन सा जिला? बरनाला। बरनाला। अच्छा अच्छा, अपना पिंड। अच्छा, तो कब आए आप लोग यहाँ पर? हम आए थे 21 तारीख को। ये कांवड़ यहीं तैयार की है या लेके आए थे आप? हम लेके आए, घर में तैयार करी थी। अच्छा, घर में तैयार की थी। बहुत सुंदर कांवड़ है आपकी। ये कितना समय लग गया कांवड़ तैयार करने में? अच्छा, 3 दिन का समय लगा है। आप सभी लोग हैं एक ग्रुप में? एक ग्रुप में। तो आप लोग इसी कांवड़ को ले जाएंगे या अलग अलग भी है आप लोगों की कांवड़? चलो बहुत सुंदर कांवड़। अच्छा, दो लोग करेंगे, बारी बारी से चेंज करते रहेंगे। सभी लोग एक ही जगह से, एक ही गांव से हैं? तो वहाँ कोई मंदिर है? जलाभिषेक कहाँ करते हैं वहाँ पर? क्या नाम है मंदिर का? प्राचीन मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर है। प्राचीन शिव मंदिर नहीं, वैसे कुछ नाम है मंदिर का या प्राचीन शिव मंदिर? प्राचीन शिव मंदिर है ऐसे नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ भोले बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है और सभी लोगों का गंगा जल इसमें भरा हुआ है। कितने रुपए लग गए इसको तैयार करने में? वैसे तो कितने टाइम लगा है? 6 दिन उसको एक्चुअल टाइम लगा है 15 से 20 दिन का। 15 से 20 दिन लगा है तैयार होने में? ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा काम करते थे रोज। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा रोज काम किया सभी, क्योंकि अपना भी काम होता है, वो भी करना होता है और ये भी करना होता है। जितने भी हम लोग हैं सारे अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, और थोड़ा थोड़ा शाम को टाइम निकालते थे, जिस दिन संडे होता था उस दिन फ्री होते थे। अच्छा, करीब हमको 15-16 दिन लगे इसको तैयार करने के। जैसे जैसे ये कावड़ है ना, ये सब खुल जाती है। अच्छा अच्छा, खुल जाती है। खुल जाती है, जैसे पेच होते हैं, पेचों से नट वगैरह से कसी हुई है। अच्छा, नट लगा रखे हैं, आधुनिक तकनीक से बना रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। खुल जाती है सभी। कितने रुपए लग गए हैं लगभग तैयार करने में? हमारा खर्चा आ गया इससे 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार रुपए में आपने इतनी सुंदर कांवड़ तैयार की है। तो एक बार आप सभी जयकारा लगा दो। जयकारा, सभी लोग आ जाओ, लाइन से लगा दो। जयकारा पीर बजरंगे, हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से आप लोग पहुंचे। तो दोस्तों अभी इस समय आप घंटाघर घाट के ताजा दृश्य देख रहे हैं। कोई भी घाट ऐसा नहीं बचा है जहां पर आपको कांवड़ ना देखने को मिल रही हो। हर तरफ, हर घाट में आपको कांवड़ ही कांवड़ नजर आ रही होगी। और यहां पर सामने आप ब्रह्मकुंड घाट को देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इसी तरह हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर कांवड़ देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आपको बहुत सारी कांवड़ देखने को मिल रही है। हर हर महादेव भाई साहब, कहाँ से आए आप? हम गदरपुर। गदरपुर? गदरपुर, गदरपुर। ये कहाँ पड़ता है गदरपुर? ये उत्तराखंड में, ये उधम सिंह नगर में है। अच्छा, उधम सिंह नगर में है गदरपुर। चलो बहुत अच्छी बात है। ये सब आपकी कावड़ है, आप लोगों की है? कितने लोगों की टीम है आपकी? 25 लोगों की टीम है। चलो बहुत अच्छा लगा। जय बोले की, जय बोले की। जयकारा लगा दो एक बार। यहाँ पर आप सभी माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं और कमेंट में जय गंगे माता जरूर लिखें। और आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सुंदर सुंदर कांवड़ को देख सकें। और आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है और शाम तक वो आ जाएगी।
जिसमें हरिद्वार की जो कांवड़ मार्केट है वो आप देख पाएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।